प्रश्न है कि दो रिक्त स्थानों के लिए राम व श्याम दो उम्मीदवार हैं। राम के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 तथा श्याम के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, कोई एक चुना जाए। दूसरा प्रश्न, कोई भी चुना ना जाए। तीसरा, कम से कम एक चुना जाए। और चौथा, दोनों चुने जाए। तो पहले जो दो प्रायिकता दी गई है वो लिख लेते हैं। राम के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है, तो लिखते हैं P(a) ये 1/3। दूसरा है श्याम के चुने जाने की प्रायिकता, ये भी दिया है। श्याम के चुने जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है। अब प्रश्न का पहला भाग कि कोई एक चुना जाए, कोई एक चुना जाए, तो इस स्थिति में ये होगा कि जब राम चुना जाएगा तब श्याम नहीं चुना जाएगा, और जब श्याम चुना जाएगा तो राम नहीं चुना जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार, ए चुना जा रहा है बी नहीं चुना जा रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी, ए नहीं चुना जा रहा है बी चुना जा रहा है, जिसमें बार लगा है वो नहीं चुना जा रहा है, जिसमें बार नहीं लगा है वो चुना जा रहा है। तो दिस इज नथिंग बट पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ बी बार कैसे निकालेंगे, 1 - P(b) ऐसा लिख करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पी ऑफ ए है 1/3, पी ऑफ बी बार तो 1 - 1/5। देखो, किसी के चुने जाने की प्रायिकता, चुने जाने की प्रायिकता और ना चुने जाने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होगा। तब जब नहीं चुने जाने की प्रायिकता अगर हमें निकालना है तो 1 से घटा देंगे चुने जाने की प्रायिकता को। तो इसी तरीके से पी ऑफ ए बार निकालना है तो ये 1 - 1/3 हो जाएगा और P/b 1/5 हो जाएगा। तो ये 1/3 और ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया 4/15 और ये हो गया 2/15, 6/15। सरल करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, तो ये मिल जाएगा आपको 2/5। इसका दूसरा भाग है कि कोई भी चुना ना जाए, कोई भी चुना ना जाए। अब एक को भी नहीं चुनना है तो ये मिल जाएगा पी ऑफ ए बार बी बार, दैट मीन्स पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार, तो मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 - P(a) और इसको लिख सकते हैं 1 - P(b). तो 1 - P(a) ये 1/3 और दूसरा 1 - 1/5, तो ये मिल जाएगा 2/3, ये मिल जाएगा 4/5, तो मिल जाएगा 8/15। इसका तीसरा भाग है कि कम से कम एक चुना जाए, कम से कम एक चुना जाए। तो इस अवस्था में हम क्या लिखेंगे कि इसमें ए चुना जा रहा है, इसमें बी चुना जा रहा है और इसमें दोनों चुने जा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी है 1/5, इसको 1 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 - 1/3, दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, तो मिल जाएगा 4/15 पहले वाले का, दूसरा 2/15 और तीसरा वाला 1/15। तो 4 × 2 = 6 और 1 = 7, 7/15 ये हमें मिल जाएगा। और इसमें चौथा पूछा है कि दोनों चुने जाएं,
दोनों चुने जाएं, तो ये हम लिखेंगे पी ऑफ ए बी, मतलब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 इंटू 1/5, तो मिल जाएगा 1/15, और यही चार प्रायिकता हमें निकालने के लिए कहा गया था। प्रश्न दिया गया है कि दो थैले जिनमें एक में 5 लाल और 7 सफ़ेद गेंदे हैं, दूसरे थैले में 3 लाल और 12 सफ़ेद गेंदे हैं, दोनों थैलों में से एक से गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद लाल है। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन थ्योरी का यूज़ भी करेंगे कि पहला जो थैला है, पहला थैला 5 लाल है इसमें और 7 सफ़ेद गेंद है। इसी प्रकार से यदि दूसरे थैले की बात की जाए तो इसमें 3 लाल गेंद है और 12 सफ़ेद गेंद है। दोनों थैलों में से एक गेंद को निकालना है और वो गेंद कैसी होनी चाहिए, लाल गेंद होनी चाहिए। तो हम पहले थैले की बात करेंगे कि पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हो जाएगा 5 गेंद है, एक ही गेंद निकालना है, तो ये मिल जाएगा 5C1, और टोटल कितने बॉल हैं, 5 और 7 को जोड़ देंगे, मिल जाएगा 12, तो ये 12C1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5/12, या दूसरे तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिंपल 7 और 5 दोनों को जोड़ दीजिए, 12 बॉल हो गई। लाल गेंद निकालना है, उसके लिए फेवरेबल केस कितना है, 5, तो ये मिल गया 5/12। दूसरे थैले में टोटल, इसमें टोटल 15 बॉल हैं, इसमें टोटल 12 बॉल हैं, तो दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लेट दिस इज पी बी, अगेन कितने लाल गेंद हैं, 3, तो 3C1, टोटल कितने गेंद हैं, 5C, तो ये 15C1 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3/15। देखिए लाल गेंद कितनी है, 3, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, टोटल बॉल कितने हैं, 15, तो ये मिल जाएगा 3/15, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/5। अब क्या बोला है कि दोनों में से एक, दोनों थैलों में से किसी एक के चुनने की प्रायिकता, तो दोनों में से किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, कि दोनों में से किसी एक को चुनना है। अब हमें जो पूछा गया है क्या कि अभीष्ट प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, पहला वाला अगर थैला चुना जाता है और उसमें से रेड बॉल निकल करके सामने आता है, तो ये 1/2 × 5/12 हो जाएगा, प्लस दूसरा अगर दूसरे थैले को चुना जाता है और उसमें लाल गेंद आता है उसकी प्रायिकता, तो ये मिल जाएगा 5/24 और ये मिल जाएगा 1/10, तो ये मिल जाएगा, इसको हम 240 कर लेते हैं, और ये 50 और ये 24 क्या हो जाएगा, 74/240, सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 और 120 और ये हो जाएगा 37, तो 37/120 ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दो स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। माना कि E1 और E2 दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जिनके घटित होने की प्रायिकता क्रमशः P1 और P2 है, तब उनके न घटित होने की प्रायिकता क्रमशः 1-P1 व 1-P2 होगी।
अब दोनों में से किसी भी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो हम दोनों पदों का गुणनफल लिखेंगे, जो कि बराबर होगा 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2। अब ये जो 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 है, इसको हम ये मान करके चलते हैं कि ये Q1 माइनस Q2 है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 1 माइनस P1 को हम Q1 ले लेते हैं और 1 माइनस P2 को हम Q2 ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि दोनों में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो हम निकालेंगे कि 1 माइनस, जब दोनों घटना नहीं घट रही है, तो वो था 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2, या फिर इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस Q1 Q2, क्योंकि Q1 और Q2 क्या है, थोड़ी देर पहले हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, आपने देखा था। तो इस तरीके से ये जो थ्योरी है इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं और इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि माना E1, E2, E3 अप टू EN, N स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इनमें से किसी भी घटना के घटित ना होने की जो प्रायिकता है उसे हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 अप टू QN। अतः इनमें से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर निकालनी हो तो हम लिखेंगे 1 माइनस Q1 Q2 Q3 अप टू QN। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकल करके सामने आते हैं, जिसमें पहला कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि यदि एक प्रयास में किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, तो लगातार N प्रयासों में इसके घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो P का पावर N होगी। इसी प्रकार N प्रयासों में उक्त घटना, मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले हमने घटना बोली है, कि एक बार घटित ना होने की अगर प्रायिकता निकालनी हो तो उसको हम लिखेंगे Q का पावर R, या फिर 1 माइनस P होल पावर R। अगला प्रश्न दिया है कि किसी प्रश्न को हल करने के लिए A के प्रतिकूल संयोगानुपात 4:3 है तथा इस प्रश्न को हल करने के B के अनुकूल संयोगानुपात 7:5 है। यदि वे कोशिश करते हैं तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहली बात ये कि दिया हुआ है कि A के प्रतिकूल संयोगानुपात, हल करते हैं A के प्रतिकूल संयोगानुपात, ये क्या दिया हुआ है, 4:3। तो A द्वारा प्रश्न हल होने के, A द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता हम मान लेते हैं ये P ऑफ A है। प्रतिकूल में अनुकूल जो उसके फेवरेबल केस है वो डिनोमिनेटर में होता है और न्यूमरेटर में उसके विपरीत वाला जो केस होता है वो होता है। तो A के प्रश्न हल होने की प्रायिकता 3 बार में प्रश्न सॉल्व कर सकता है और दोनों को मिला करके ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3/7। A द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता हमें मिल जाएगी 3/7। इसी तरीके से जो दिया गया है कि B के अनुकूल संयोगानुपात, B के अनुकूल संयोगानुपात, देखिए यहाँ पर प्रतिकूल बोला गया है और यहाँ पर अनुकूल बोला गया है, तो अनुकूल है 7/5। तो B द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता हम मान करके चलते हैं कि यह है P/B। तो B का जो फेवरेबल केस है वो न्यूमरेटर में होगा, 7 और 7 और 5 को दोनों को जोड़ देंगे तो 12, तो ये 7/12 आपको मिल जाएगा। प्रश्न हल होने की प्रायिकता पूछा है, प्रश्न हल होने की प्रायिकता, प्रश्न कब कब हल होगा। अब इसको हम P(a) और P(b) ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये मिल गया 3/7 और ये मिल गया 7/12, 3/12 और ये आपको मिल गया 1/4। प्रश्न हल होने की प्रायिकता निकालना है, प्रश्न हल होने की प्रायिकता, तो प्रश्न कब कब हल होगा ये हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हमें मिला था 3/7, दूसरी प्रोबेबिलिटी मिली थी 7/12, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए डॉट बी जो निकालेंगे वो है ये आपका 1/4। तो इसको हम सीधा ऐसे लिख देते हैं पी ऑफ ए पी ऑफ बी, तो ये है आपका 1/4। सरल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12 7 84, और ये आ जाएगा 36, और ये 7 7 49, और ये 21। सरल करेंगे तो 64/84, और सरल कर देंगे तो ये 16/21 मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि इसमें हम एक दूसरी विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या बोला है कि प्रश्न हल होने की प्रायिकता, तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रायिकता जब दोनों से प्रश्न हल ना हो, दोनों से प्रश्न हल ना हो, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस ए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है तो 1 माइनस कर देंगे तब वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जब वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से बी की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 माइनस में कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जब वो प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा जो कि यहाँ पर मिला है, 1 माइनस ये हो जाएगा 7 में 3 या 4 4/7, और ये मिल जाएगा 12 7 5/12, तो ये 1 5 4 20 और 12 7 84 मिल जाएगा 84 20/84, तो ये हो गया आपका 64/84। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 16/21। देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में आंसर सेम आया है, तो आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं। बेज प्रमेय, यदि E1, E2, E3 up to EN अरिक्त घटनाएं हैं, इसका मतलब ये कि अगर आप E1 किसी घटना को देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अवयव होंगे, E2 में भी कुछ ना कुछ अवयव होंगे, इस प्रकार जितने भी E1 से लेकर के EN तक अवयव हैं उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। जो प्रतिदर्श समष्टि S के बिंदु हैं, अर्थात E1, E2, E3 up to EN जो है ये सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हैं, और E1, E2, E3 up to EN जो है वह युग्मतः असंयुक्त है। इसका मतलब क्या कि E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट इक्वल टू 5 होगा, E2 इंटरसेक्शन E3 नॉट इक्वल टू 5 होगा। इसी तरीके से आगे हम इस क्रम को कंटिन्यू करेंगे तो हमें मिल जाएगा EN-1 इंटरसेक्शन EN इज नॉट इक्वल टू 5। और इसमें खास बात एक और होगी कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू EN दैट विल बी इक्वल टू S। तो जितने हमने घटनाएं जो कि नॉन एम्प्टी या अरिक्त घटनाएं हमने ली हैं इन सब का अगर हम यूनियन करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस मिल जाता है। अब हम ये मान करके चलते हैं कि माना A कोई अन्य घटना है जिसकी प्रायिकता शून्येतर है, अर्थात नॉन जीरो है, मतलब A की घटना की घटने की प्रायिकता जो होगी वो कभी शून्य नहीं होगी। तो इसे हम लिखेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू 5। ऑब्वियसली बात है अगर A नॉन एम्प्टी होगा तभी उस घटना के घटने की प्रायिकता हमें नॉन जीरो मिलेगा जो कि शून्य नहीं होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम उपयोग करते हैं, और वेज थ्योरम ये बोलता है कि पी ऑफ ई आई अपॉन ए इज इक्वल टू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई आई होल अपॉन समीशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n पी ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई जे वेयर जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो चलिए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरीके से। तो उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ऑफ ए।
अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई देन होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रायिकता के गुणनफल नियम से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि संपूर्ण प्रायिकता का हम अगर नियम का उपयोग करते हैं तो जो पी ऑफ ए है उसको लिखा जा सकता है समीशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n पी ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए बाई ई जे। और ये संपूर्ण प्रायिकता का सिद्धांत क्या है आगे देखते हैं। तो यही वह रिजल्ट है जो कि हमें प्रूफ करना था, ये वेज का प्रमेय कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय की, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो माना कि E1, E2, E3 अप टू EN प्रतिदर्श समष्टि S के बिंदु हैं और प्रत्येक की प्रायिकता शून्येतर है अर्थात नॉन जीरो है। मतलब ये कि E1, E2, E3 ये सैंपल स्पेस का कोई एक एलिमेंट है और हर घटना E1, E2, E3 किसी भी घटना को ले लें तो उसकी प्रायिकता कभी शून्य नहीं होगी। अब माना ए प्रतिदर्श समष्टि के संगत एक घटना है, तब संपूर्ण प्रायिकता का जो प्रमेय है वो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू अप टू, ये इसी तरीके से आगे क्रम चलता जाएगा और इसका अंतिम पद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ या पी ऑफ ई एन इंटू पी ऑफ ए बाई ई एन। तो इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में एक नोटेशन में नोटेट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समिशन वेरीज जे वेरीज फ्रॉम 1 to n पी ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए बाई ई जे। देखिए जे को आप वेरी करते जाएंगे 1, 2, 3 इस तरीके से n तक, तो आपको वही टर्म्स मिल जाएगा और समीशन इसका मतलब होता है योग करना जोड़ना। तो जो ऊपर हमने समीकरण लिखा है उसका शॉर्ट फॉर्म नोटेट किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं और इसका हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। घटनाएं E1, E2, E3 अप टू EN प्रतिदर्श समष्टि S के बिंदु हैं और S इक्वल टू E1 यूनियन E2 अप टू EN। माना कि ये समीकरण एक है, इसका मतलब ये कि सभी घटनाओं का अगर हम यूनियन ले लें E1, E2, E3 अप टू EN का तो हमें सैंपल स्पेस मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप E1, E2 को और E2, E3 को इस तरीके से अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आपको फाई मिलेगा। ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू फाई वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड आई एंड जे बोथ आर फ्रॉम 1 to n। तो आई और जे जो है ये एक से लेकर के एन तक का मान प्राप्त कर सकता है और आई और जे कभी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या कि ई वन इंटरसेक्शन ई टू इज इक्वल टू फाई हो सकता है लेकिन ई वन इंटरसेक्शन ई वन ये फाई नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से ए इस प्रकार घटना है कि आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस। और थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि सैंपल स्पेस एस को हम ई वन यूनियन ई टू अप टू ई एन लिख सकते हैं, तो उसको हम यहां पर यूज करते हैं कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री अप टू यूनियन ई एन। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन करते हैं और ए को सबके साथ बाकी ई वन ई टू ई एन के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई वन फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू यूनियन ए इंटरसेक्शन ई थ्री अप टू ए इंटरसेक्शन ई एन। माना कि ये समीकरण दो है।
साथ ही ए इंटरसेक्शन ई आई और ए इंटरसेक्शन ई जे, यह क्रमशः ई जे और ई आई और ई जे के उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन ई आई जो है वो ई आई का उपसमुच्चय है और ए इंटरसेक्शन ई जे है जो कि ई जे का उपसमुच्चय है, जो कि आई इज नॉट इक्वल टू जे के लिए असंयुक्त है, डिसजॉइंट है। तो इसलिए आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा और आई और जे ये 1, 2, 3 अप टू एन ये वैल्यू ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए ए इंटरसेक्शन ई आई और ए इंटरसेक्शन ई जे भी असंयुक्त या फिर डिसजॉइंट है। तो अब इसमें हम प्रोबेबिलिटी समीकरण दो जो हमें मिला था इसके बोथ साइड पर हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, तो मिल जाएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू अप टू ए इंटरसेक्शन ई एन। अब जब यो यूनियन का साइन होता है वो प्रोबेबिलिटी में एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन। इसी तरीके से बाकी जो अवयव है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू और अंत में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई एन, इन सबको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो प्रायिकता गुणन के सिद्धांत से हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समिशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n पी ऑफ ई जे इनटू पी ऑफ ए अपॉन ई जे। तो चलिए आइए सरल करते हैं कुछ प्रश्न जो कि संपूर्ण प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित होगा। तो प्रश्न दिया गया है कि बैग ए में 2 सफ़ेद और 3 लाल गेंदे और बैग बी में 4 सफ़ेद और 5 लाल गेंदे हैं, इन बैगों में से एक गेंद चुनी जानी है तो वह लाल पाई जाती है, बैग बी से निकाली एक गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बेज का जो प्रमेय है उसका उपयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बैग की बात की गई है कि बैग ए है, इसमें 2 वाइट है और रेड की बात की जाए तो 3 रेड है। इसी तरीके से बैग बी है, इसमें 4 वाइट बॉल है और 5 रेड बॉल हैं। तो बैग बी से निकली गेंद रेड होगी या इनमें से गेंद चुनी जाती है वह लाल है और वह बी बैग से ली गई है, ये हमें ज्ञात करना है इसकी प्रायिकता। तो इसके लिए हम कुछ अनोटेशन यूज़ करते हैं कि माना ई वन जो है यह बैग ए से चुने जाने की घटना है और ई टू जो है यह बैग बी से चुने जाने की घटना है, और इसमें हम देखते हैं ई जो है यह लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता है, और हमको क्या चाहिए कि एक गेंद निकाली जाती है जो कि रेड हो और वो बी बैग से निकाला जाए, तो हमें क्या ज्ञात करना है पी ऑफ ई टू अपॉन ई, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम बेज का जो सूत्र बेज के प्रमेय का जो सूत्र है उसका हम उपयोग करेंगे। तो इसको अगर लिखा जाए सूत्र को तो आप लिखेंगे पी ऑफ ई बाई ई टू इंटू पी ऑफ ई टू, और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय यहाँ पर यूज होता है ई ई वन इंटू पी ऑफ ई वन प्लस पी ऑफ ई बाई ई टू इंटू पी ऑफ ई टू, ये हम प्रयोग करेंगे। तो ये पी ऑफ ई बाई टू पी ऑफ ई टू पी ऑफ ई वन ये सब हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे
तो मान करके चलते हैं कि ये हमारा सूत्र है जिसे हमने समीकरण एक नाम दे रखा है। तो बात करते हैं कि चूंकि दो बैग है अतः ए के चुने जाने की प्रायिकता ये होगी 1/2। दो बैग है, दो में से एक का सिलेक्शन किया जाएगा और वह ए होगा, ये आपको मिल जाएगा 1/2। इसी तरीके से बी के चुने जाने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो यह भी हो जाएगा 1/2। इक्वली लाइकली इवेंट है। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि बैग ए में दो सफ़ेद और तीन लाल गेंदे हैं। तो एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को हम लिखेंगे पी ऑफ ई बाई ई वन। देखिए ई क्या है, लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता, और ई टू ई वन जो है वह बैग ए से चुने जाने की घटना। तो इस प्रकार ये पहली बात है कि बैग ए में जो तीन लाल है उसमें से सिलेक्शन किया जा रहा है, या लाल गेंद, और वो कहाँ से होगा, बैग ए से होगा, ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितने बॉल हैं, 3 और 2 5। फेवरेबल सफ़ेद, फेवरेबल कौन सा होगा, लाल होगा, क्योंकि लाल गेंद पूछा गया, तो 3 इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से प्रश्नानुसार बैग बी में 4 सफ़ेद व 5 लाल गेंदे हैं, एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कहाँ से, दूसरे वाले बैग से। तो इसे हम लिखेंगे पी ऑफ ई बाई ई टू। 4 और 5 9, फेवरेबल केस कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 5/9। तो देखिए कि हमने यहाँ पर पी ऑफ ई बाई ई वन ये कैलकुलेट कर लिया है, पी ऑफ ई बाई ई टू कैलकुलेट कर लिया है, अब पी ऑफ ई वन और पी ऑफ ई टू ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि ये आपका 1/2 और ये 1/2 आपको मिला है। अब क्या करते हैं, इन सभी मानों को इस समीकरण में या इस सूत्र में रख देते हैं तो आपको वह मान मिल जाएगा। तो चलिए यह मान मैं यहीं पर रख रहा हूँ, P ऑफ E बाई ई टू ये है आपका 5/9, और P ऑफ E टू ये जो P ऑफ E वन ये है, P ऑफ E टू ये है 1/2, और P ऑफ E बाई ई वन ये वाला मान, तो ये 3/5 और ये आपका 1/2 धन। P ऑफ E बाई ई टू ये वाला मान 5/9 और ये 1/2। इसको सरल करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 5/18 हो जाएगा, और ये 3/10 हो जाएगा, और ये 5/18 हो जाएगा। तो इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी हो गया आपका 5/18।
इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम होगा ये 180, 18 तिया 54 और ये 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5/18 और ये 180 जो है ये अंश में चला जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 94। तो ये 18 दहम 180 हो जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा 50 और ये मिल जाएगा 94। इसको 2 से भाग दे सकते हैं 25 और ये 104, 18 दहम 180 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये 104। इसको भाग देंगे तो 25 और इसको भाग देंगे तो 52। तो हमें जो पूछा गया था पी ऑफ ई टू बाई ई, ये आपको मिल गया 25/52। यही जो उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था।